प्रभु श्री महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मेडिकल रोड स्थित राधिका कॉम्प्लेक्स के सामने विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री डॉ. पी. के. मल द्वारा बजरंगी बलि के चित्र पर माल्य अर्पण कर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उनकी आरती कर भंडारे का शुभारम्भ किया गया। भंडारे के आयोजक संजीव यादव ने बताया कि हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी हम लोगों ने भंडारे का आयोजन किया है। इस बार भंडारे में करीब 5,000 लोगों को प्रसाद खिलाने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए भंडारे के आयोजक संजीव यादव और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री डॉ. पी. के. मल ने कहा, हनुमान चालीसा ना तो लगा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे जो है हम पिछले 3 साल से जो है यहाँ पे भंडारा लगातार करा रहे हैं और पिछली बार कोशिश किए थे 3,000 लोगों की व्यवस्था करने की और इस बार महावीर बजरंग बली की कृपा रही जो मैं 5,000 लोगों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग का काफ़ी सहयोग रहा है इसमें और मैं निरंतर ये और भी आगे कोशिश करूँगा अगली बार बढ़ाने की लोगों की संख्या और मैं 10,000 लोगों की कोशिश करूँगा कि मैं गरीब लोगों को मतलब भंडारे का प्रसाद खिला सकूं। महावीर से यही विनती है, इतनी शक्ति दे हमें कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, बस यही कामना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव यादव है। एक्चुअली ये भंडारा पिछले 3 साल पहले शुरू हुआ था, यहीं पे जो है यही स्थान है जहाँ पे 3 साल पहले हनुमान जयंती के 3 दिन पहले एक बंदर का देहांत हो गया था और उसके बाद हमने उनका दाह संस्कार कराया और हमने ये ठान लिया कि आज से मतलब हर हनुमान जयंती में यहाँ पे जो है हम भंडारा कराएंगे हनुमान जी के नाम पे और वही हम निरंतर करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महावीर जयंती है आज और महावीर जयंती के ऊपर में हिंदू वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे हमेशा भंडारे का आयोजन हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी हो रहा है। कितने दिनों से आयोजन किया जा रहा है ये? हर साल होता है, बहुत साल हो गए जिंदगी, मेरे लगता है कि मेरे जानने में तो 12-13 साल तो मैं देख रहा हूँ और ये लगातार हर साल इस महावीर जयंती के अवसर पे होता है।